Hello student, in this video we are going to learn first lesson of the EVS of class 5, name of the lesson is Super Senses, this is second part of the video, so all of you watch this video completely with full concentration, like it, share it and subscribe the channel in the first part we have completed up to this one now we are going to learn next topic of the next concept person is try and uh, try this and write it means that you have to do this activity at home and find out the answer of this question what activity you have to do Bacho, आपको कौन से एक्टिविटी करनी है तो वो एक्टिविटी है एकदम सिंपल बच्चों आप घर में कर सकते हैं ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनी थिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में थोड़ी सी चीनी या जागरी माने गुड़ या और कोई स्वीट आप मार्केट से लाए हैं जलेबी है बूंदी है ऐसा कोई भी स्वीट आप अपने रूम के किसी कोने में या जहाँ पर आपका मन करता है वहाँ रख दो ठीक वेट अनटिल देंड्स कम दियर और थोड़ी देर शांति से बैठे रहो और देखते रहो कि आप जहाँ आपने जहाँ स्वीट रखा है वहाँ एंट आ रही कि नहीं रही है नहीं आ रही है अब थोड़ी देर में एंट पक्का आ जाएगी वहाँ पर ये क्वेश्चंस है इसको आपको ऑब्जर्व करना है क्या हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंडस टू कम एंड्स को वो चीनी या जो स्वीट है वहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा पहला क्वेश्चन इसका मतलब है जैसे ही आप स्वीट जमीन पे डालोगे आप घड़ी में एक बार देखो कितने बजे हैं और टाइम नोट डाउन जरूर करके रखना सेकंड क्वेश्चन इज डिड वन एंड कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर ये आपको ध्यान रखना है कि वो स्वीट की तरफ क्या पहले एक ही एंट आती है कि एक साथ बहुत सारे एंड्स आती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एंडस डू विद द फूड व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड वो एंडस फूड के साथ क्या कर रही हैं उसको वहीं चबा चबा के खा रही हैं उठा के ले जा रही हैं क्या कर रही हैं नेक्स्ट इज वेयर डिड द व्हाट डिड द एंड डू विद द फूड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर अब जहाँ आपने स्वीट रखा था वहाँ तक तो वो आई लेकिन वहाँ से कहाँ चली गई डू दे मूव इन अ लाइन क्या वो लाइन में चलती हैं कैसे वैसी भागती हैं ठीक बच्चों अब हमें इस क्वेश्चन का पहला आंसर देखेंगे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके आंसर देखेंगे हो सकता है कि आपके आंसर में उसके मिलते जुलते हो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम मीन्स वट द टाइम दे रिक्वायर और वाट ऑज टाइम दे हैव टेकन टू कम दियर एंड आंसर इज इट टूक फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स फॉर एंड टू कम एंड्स को पंद्रह से बीस मिनट लगे सेकेंड क्वेश्चन इज डिड वन एंड कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंड्स कम कैम टुगेदर मतलब एक ही एंड आई कि बहुत सारे एंड्स आए तो आपका आंसर है वन एंड कैम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ एंड्स मतलब पहले एक एंट आती है उसके बाद बहुत सारे आती हैं थर्ड क्वेश्चन इज वॉट डिड द एंड्स डू विद द फूड एंडस फूड के साथ क्या करती हैं द एंड कैरीड द फूड टू दियर होल एंड्स अपने मुंह में उसको उठाती है फूड को और अपने होल के तरफ चली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो फ्रॉम दियर और जो एंड्स है वो आपने जो हाँ स्वीट रखा है स्वीट तो अपने मुंह में पकड़ लेती है है ना आपने अगर बहुत सारा स्वीट रखा है तो उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना के वहाँ से उठा के ले जाती है लेकिन जाती कहाँ है दे गो टू दियर होल फ्रॉम दियर होल माने हुए जो होल है अपना घर उनका घर अपने आपके घर में ही कहीं पर छेद होता है दीवार में या फ्लोर में कहीं ना कहीं वहाँ वो चली जाती है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है डू दे मू इन अ लाइन क्या वो लाइन में चलती हैं उसके आंसर है यस दे मू इन अ लाइन नाव केयरफुली विदाउट हारमिंग देंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल्ड विथ द पेंसिल पेंसिल से उनका पाथ आपको ब्लॉक करना है तो क्या होता है उसके बाद एंडस क्लाइम अप ऑन द पेंसिल तो वो जो एंड्स है पेंसिल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है दे स्टिल मूव इन अ लाइन वो मूव में ही चलती हैं, लाइन में ही उनका मूवमेंट होता है बट वो पेंसिल पे भी क्लाइम करती है पेंसिल में भी चलती हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है बच्चों वो भी आपको आने वाला है और क्वेश्चन ऐसा है नाउ कैन यू गेस वाई द एंडस बिहेव लाइक दैट वेन यू ब्लॉक देयर पाथ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दिस बिहेव करना मतलब उनका जो जो तरीका है उनका जो चलने का तरीका वो ऐसा क्यों हो गया उनका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया जब आपने उनका प्ला जो रास्ता है ब्लॉक किया बंद किया रास्ता बंद किया रास्ता एक लाइन से जा रहे हैं ना बच्चों तो रास्ते को हमने ब्लॉक किया एज द एंड स्मूव इट लीव द स्मेल ऑन द ग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों देखो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि एंड एक एंड्स को आने में कम से कम दस एक एंड को आने में पंद्रह बीस मिनट तीस मिनट लग सकते हैं लेकिन एक एंड आती है स्वीट को देखती है और वो स्मेल छोड़ती 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 अपने होल तक जाती है और वहाँ सारे एंड्स को मैसेज देती है कि चलो खाना मिल गया है और बाकी एंड उसी पाथ पर चलती हैं क्योंकि एक स्मेल से जो पहली जो एंड थी जो स्वीट की तरफ आई थी उस अपना स्मेल छोड़ते, छोड़ते छोड़ते चली जाती है और उसी रास्ते से सारी एंड्स आती है और उसी रास्ते से फूड लेके चली भी जाती है तो एक स्मेल ज़मीन पर छोड़ते हैं अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे बाकी एंड्स को वो कैसे पता चलेगा कि वो फूड कहाँ रखा है वो स्वीट कहाँ रखा है तो उस रास्ते को फॉलो करती स्मेल को फॉलो करती है दस वेन देयर पाथ वॉज ब्लॉक एंड्स ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल अगर हमने उसका पाथ को ब्लॉक किया तो वो क्या करती है एंड फिर इधर उधर ढूंढती है कि वो स्मेल कहाँ मिलेगा और जहां पे स्मेल मिलेगा फिर वो उसी रास्ते से चली जाती है बच्चों सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गए ये ब्लॉक वाला भी मैंने आपको बता दिया अभी यहां पर हम आगे चलते हैं मेनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस तीस चालीस साल पहले पचास साल पहले ये सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने एंड्स ख्यात किए थे ही फाउंड दैट साइंटिस्ट को क्या मिला एज द एंड दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड लीव मतलब छोड़ना एल आई वी ई ल्यू मतलब रहना वो अलग है एंड यल आई यल ई ए वी ल्यू मतलब छोड़ना वो एंड जब चलती है तो एक स्मेल जमीन पर जरूर छोड़ती है अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे और बाकी एंड्स उसी स्मेल को पहचान के उसी रास्ते पर चलती हैं नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट वेन यू ब्लॉक देयर पाथ तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमने एंड्स का प्लाथ पाथ जो है रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया बंद कर दिया तो उनका बिहेवियर थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है सम मेल इंसेक्ट कैन रिकोगनाइज देयर फेयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों कीड़े जिसको हम कहते हैं कीड़े मकोड़े वैसे इंसेक्ट फीमेल्स को पहचानते हैं स्मेल से ही नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हैव यू एवर बिन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज देखिए आप अपने घर में आप रात में बैठे हैं लाइट बंद कर दीजिए थोड़ी देर में आपके कान के पास मॉस्किटो के कोई करने का आवाज़ करता है तो मॉस्किटो को आप कैसे दिखें रात में वो आपके कान के पास कैसे आया तो जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर आप रूम के किस कोने में बैठे हैं कहाँ पर बैठे उनको कैसे पता चलता है मॉस्कीटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव अ बॉडी स्मेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी स्मेल बच्चों हमारे सब जितने ह्यूमन बींग्स हैं उनके बॉडी का स्मेल होता है और वो अलग अलग होता है और उस स्मेल से वो पहचानते हैं आप जानते होंगे आपके घर अगर कोई छोटा सा टॉमी है जिसको हम डॉगी कहते हैं या कैट है वो तो कैट या डॉग जो भी हो वो अपने मालिक को स्मेल से ही पहचानते हैं दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट मतलब जिसको हम पैर को तलवा कहते हैं सोल ऑफ फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी हमारी बॉडी से हीट भी निकलती है बॉडी के हीट से बॉडी के स्मेल से एंड हमारा सोल जो हम जिसमें हम जमीन पे चलते हैं पैर के तलवे जिसको हम कहते हैं उससे पहचानते हैं देखिए आई एम सिल्क वर्म मैं एक सिल्क वर्म हूँ आई कैन फाइंड माई फीमेल वोम बाय मनी किलोमीटर्स अवे हर स्मेल एक सिल्क वम अपने फीमेल को कई किलोमीटर से पहचान सकता है जस्ट इमेजिन एक बच्चों इमेजिन करो कि एक सिल्क वम एक किलोमीटर दूर से पहचान सकता है स्मेल से इज़ वेरी देर स्मेलिंग पावर इज वेरी पावरफुल और देर सेंसेज आर वेरी पावरफुल नाउ नेक्स्ट है एक देखिए डॉगी का देखा होगा आपने जब आपके घर में डॉगी अगर है या किसी और को डॉगी को देखते होंगे आप तो वो हर जगह जाके सूंघता है जब वो चलते हैं तो वो अलग अलग जाके कभी खंबे पे कभी गाड़ी के टायर पे किसी दीवार में पेड़ पे वो सूंघते हैं है ना वो क्या सूंघते हैं देखिएगा हैव यू एवर्स इन अ सिटिंग हेयर एंड डियर क्या ने क्या आपने कभी डॉग को देखा है स्निपिंग स्निफिंग का मतलब होता है सा, स्मेल लेना स्निफिंग मतलब स्मेल लेना वॉट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल वो किस चीज का स्मेल लेता होगा सूंघने इसको सु, हिंदी में कहते हैं वो है और फिरता रहता है मार्क आउट दियर ओन एरिया ऑन द रो मैं ऑन द रोड वो जिस एरिया में रहते हैं वो हर एक डॉगी अपने एरिया को मार्क करता है बच्चों टाइगर भी ऐसे करता है लेपर्ड भी ऐसे करता है दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज़ कम टू इन देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी तो हर एक डॉग अपने यूरिन से मार्क करता है और दूसरा डॉग वहाँ आया कि नहीं उसके यूरिन के या पोटी के मतलब लैटरिन के स्मेल से पहचान सकता है और दूसरे डॉग के जैसे ही अंदर आ जाता है एरिया में वो तुरंत भोंकना भी चालू कर देता है अब देखिए और कुछ क्वेश्चन है आपके लिए राइट इन वॉट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ अ डॉग जो डॉग का स्मेल है मतलब उसके जो सेंसेशन की पावर है स्मेल लेने की पावर है डॉगी में बहुत ज्यादा होती है तो ह्यूमन बींग हम कैसे इसका उपयोग करते हैं वेरी सिंपल इसका उपयोग करते हैं पुलिस कौन उपयोग करता है उसका पुलिस किस काम में टू फाइंड द क्रिमिनल्स टू फाइंड द थीफ चोरों को ढूंढने में क्रिमिनल्स को ढूंढने में बॉम्ब को ढूंढने में ठीक है ना क्या क्या ढूंढते हैं एक तो थीफ जिसको हम चोर कहते हैं और क्या ढूंढते हैं क्रिमिनल्स नेक्स्ट बॉम और क्या ढूंढते हैं बच्चों ड्रग्स तो ये जो डॉग्स होते हैं ट्रेन ड्रॉग्स होते हैं पुलिस के पास होते हैं वो थीफ को पकड़ा सकते हैं वो क्रिमिनल्स को पकड़ा सकते हैं बॉम्ब को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो ड्रग्स होते हैं नशीली दवा ड्रग्स मतलब नशीली दवा होती है इनके जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ये इन सबको ये जो स्लीपर्स डॉग्स होते हैं उसको स्नीपर्स डॉग्स कहते हैं वो उनको पहचानते हैं नेक्स्ट वेन डू यू फाइंड यूअर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प टू यू वैन डू यू फाइंड यूअर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू यू फाइंड आउट दैट वैन यू एंटर यूर हाउस यू कैन ईजिली आइडेंटिफाइड विच फूड मटेरियल और विच स्पेशल फूड डिश इज़ प्रिपेयर इन योर हाउस आप जैसे अपने घर में घुसते हैं ना बच्चों तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि मम्मी ने आज क्या बनाया जलेबी बनाई गुलाब जामुन बनाए कि पनीर की सब्जी बनाई क्या बनाया कि पराठे बनाए द स्मेल ऑफ द एवरी फूड आइटम इज़ डिफरेंट एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द स्मेल वेन यू एंटर योर हाउस लिस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक नो बाइट स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड दैट समथिंग इज बर्निंग देखिए क्या क्या मैंने एक बताया था अभी विच फूड आइटम्स इज प्रिपेर इन दर हाउस यू कैन आइडेंटिफाइड नेक्स्ट सपोज यू पुट योर कुकड फूड पुट इन अ किचन नॉट इन अ फ्रिज आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा किचन में रख दिया Summer days जैसे समर डेज है जैसा समर अप्रैल में समर होता है नहीं। नहीं। सुबह मान लें आपने सुबह खाना बनाया है और शाम को आपको सब्जी खानी है या रोटी खानी है अगर वो खराब हो गया खाना अगर वो खराब हो गया है तो उसका स्मेल चेंज होता है बैड स्मेल आता है तो आप पहचान सकते हैं खाना खराब हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट है जैसे आप घर में कहीं बैठे हैं और शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या कहीं आग लग चुकी है तो आपको बर्निंग का स्मेल आता है इवन आपके घर में अगर सी जो गैस होता है एल गैस है ना एल गैस होता है ना सिलेंडर जो होता है आपके घर में खाना बनाने के लिए यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एल गैस स्मेल मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई द लीकेज इफ़ एनी अगर आपके घर में गलती से गैस का कॉक ऑन रह गया कुक जो गैस स्टोव है उसका कॉक ऑन रह गया तो वो आपको तुरंत पहचानने में आ जाता है ये स्मेल के फायदे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नेम एनिमल्स नेम द एनिमल्स दैट यू

नेक्स्ट गोट दीज आर सम एनिमल्स विच यू कैन आइडेंटिफाई विदाउट सीइंग दैम बिना देखे भी आप इनको पहचान सकते हैं और भी कई एनिमल्स है जिनको आप बिना देखे भी पहचान सकते हैं नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फाइव थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द फर्स्ट कॉलम इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट द थिंग्स यू हैव राइट द थिंग्स द आइटम्स और फूड आइटम्स और अ नेम ऑफ एनिमल व्हाट एवर मे बी दैट हु स्मेल इज लाइक बाई यू जिसका स्मेल आपको अच्छा लगता है उसको लेफ्ट को एक इस कॉलम में रखना है और जिनका स्मेल अच्छा नहीं लगता आप वो कुछ भी हो सकता है उसको आपको खुद ये लिखना है मैं लिख के दूं तो वो वाला मेरा हो जाएगा इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी आंसर नहीं दूंगा यू हैव टू फाइंड आउट दिस आपको तो हर हाँ दिन लगता है किसी को करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती किसी को स्वीट अच्छा नहीं लगता है ना किसी को स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते क्लो का स्मेल है क्लो समझते ना सी एल ओ वी ई जिसको हम लौंग बोलते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्मेल्स हैं किसी को लहसुन गार्लिक किसी को ओनियन मैंने पैच इसका भी स्मेल अच्छा नहीं लगता तो यू हैव टू आइडेंटिफाई यू आर लाइक्स एंड डोंट लाइक एंड यू शुड राइट इट इन इन दिस बुक नाउ आपको इसको अपने बुक में लिखना है और आपको करना क्या है जब आप स्कूल आएंगे तो ये कंपेयर करना है डू यूर एंड यू एंड फ्रेंड हैव अ सिमिलर आंसर आपके और आपके दोस्तों में कितने आपके दोस्त हैं जिनके आंसर्स सेम है आंसर अलग भी हो सकते हैं लेकिन कितने के अलग हैं कितने के सेम हैं ये आपको पहचानना है तो बच्चों यहाँ तक हमने अभी तक चार पेजेस पूरे किए हैं तो ये चार पेजेस के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भेजने वाला हूँ उसमें मैं आगे भी आपको कंटिन्यू करूँगा